एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट करें। यहाँ पर कंप्यूटर का डेली क्लासेस कराया जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर का डेली क्लासेस कराया जा रहा है 50-50 एमसीक्यू। ये आपका विगत वर्ष का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन में आपको 50 नंबर का कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए विशेष तौर पर आज से हमारी क्लास पर स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही 20 नवंबर से बिल्कुल सटीक क्वेश्चन कराया जाएगा हॉस्टल वार्डन की, ठीक है। और एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो कल से उसकी क्लास प्रारंभ की जा रही है, एसआई भर्ती की, यानी कि सब इंस्पेक्टर की। हॉस्टल वार्डन की बिल्कुल कंप्यूटर में आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 50 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर में आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा हॉस्टल वार्डन से, जिसमें आपको 25 नंबर लाना तय है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाते तो आपको बिल्कुल फेल माना जाएगा, आप एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। चाहे आप हिंदी में, इंग्लिश में, चाहे गणित में पूरा नंबर क्यों नहीं ला लो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर में पास नहीं होते तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर से टोटल आपका 50 एमसीक्यू कराने वाले हैं, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या जो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आप कमेंट में बताइएगा कि हॉस्टल वाला की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो 20 नवंबर से बिल्कुल क्लासेस प्रारंभ की जाएगी, यानी कल से टाइम टू टाइम क्लास अपलोड की जाएगी, ठीक है। आज का यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट चार्ज हो गया, सीरीज वन का क्लास चल रहा है पहला, ठीक है, जो डेली आपको 50-50 एमसीक्यू कराया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट क्या होता है? प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, क्या कहते हैं? आईपीएस एड्रेस कहते हैं। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट को आईपीएस एड्रेस कहते हैं। टोटल जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जा रहा है। यहाँ पर 50 एमसीक्यू कराने वाले हैं आज की क्लास में। यहाँ पर सीजन का पहला क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जल्दी से जाइएगा, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी को चैनल दिखेगा ये, ठीक है। चलिए, यूट्यूब क्या होता है? यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब क्या है? वीडियो वेबसाइट है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा इंपैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है? इंपैक्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ब्रांड प्रिंटर तीनों ही नहीं है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज से ट्रांसलेट करता है? वो आपका कंपाइलर जो है, कंपाइलर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, मतलब परिवर्तन करता है? कंपाइलर होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बार बार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर प्लाटर आएगा, जो इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि माउस, स्कैनर और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। बहुत सारे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। कंप्यूटर में आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो नंबर से, इनपुट और आउटपुट से आपका दो नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हॉस्टल वाला में, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो आपका थर्मल प्लेट बेड है, थर्मल प्लेट बेड जो कि डिवाइस का एक प्रिंटर प्रकार है। इसके बाद कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है बाइनरी अंक गणित होता है, अंक गणित, इसको नोट कीजिए, क्या है? अंक गणित, जो आपके बाइनरी कोड होता है, वो आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसके बाद है, पिक्चर या चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट्स में निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? पिक्सेल कहा जाता है, पिक्सेल। उसके बाद है, निम्नलिखित में किसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं? जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। फाइंड एंड रिप्लेक्स बॉक्स, यानी कि डायलेक्स बॉक्स को खोलने के लिए आवश्यक होता है कौन सा? F2, F5 या F7? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करें, क्या आएगा? जल्दी से, टेस्ट चल रहा है ना, बिल्कुल आंसर दीजिएगा, क्या आएगा? जल्दी से बताइए, क्या आएगा? फाइंड एंड रिप्लेक्स बॉक्स किससे खोलता है? F5 से, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन से किससे प्रमुख इंटरनेट कनेक्टिंग की आवश्यकता होती है? जल्दी से बताइएगा, ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप तीनों से ही कनेक्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक क्या है? कंप्यूटर को प्रारंभ करने के सबसे पहले आवश्यक है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ठीक है।
ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है, एग्जाम में बार बार पूछता है, नहीं है, नहीं है, ये आपको पूछता है बार बार, ठीक है। सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैंटोस, ये मैंटोस है जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि उबंटु फ्री एम डी एस और ये ओपन सोलरिस, ये कंप्यूटर में ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 का बटन दबाने पर क्या होता है, ये जो F12 है इसका बटन दबाने पर क्या होता है, सेव होता है, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं वेब पेज, जो वेब होता है, वेब पेज, ये आप नोट कीजिएगा, वेब पेज जो इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं वेब पेज, आंसर सी, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है, सूखी स्याही में लेजर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेजर। इसके बाद है कंप्यूटर वास्तव में क्या समझता है, मशीनी भाषा, कंप्यूटर वास्तव में एक मशीनी भाषा समझता है। टेस्ट चल रहा है, जो लोग हॉस्टल वाटरने की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, अगर वीडियो में एक बार समझ नहीं आता तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम दिलाने जाएंगे तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। एम एस एक्सेल में एक फलन नहीं होता ऐड, जो ऐड होता है, ठीक है, ऐड का मतलब होता है प्लस, ठीक है, एडिंग करते हैं ना वो, तो ये फलन नहीं है पूछा गया, ऐड है जो एम एस एक्सेल में नहीं होता, जबकि एम एस एक्सेल में सम होता है, सम का मतलब जोड़ना होता है, मैक्स होता है और स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन ऐड नहीं होता, ठीक है, ऐड नहीं होता, बार बार बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। साइबर राइट वायरस क्या होता है, विंडो वायरस होता है, क्या, विंडो वायरस। उसके बाद है निम्नलिखित कौन सा एक्टेंशियन के रूप में होता है, एक्टेंशियन में जीपीजी और जीआईएफ होता है, ठीक है, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, जीआईएफ और जीपीजी, ठीक है। आईएमजी का मतलब होता है इमेज, जीआईएफ का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म, और जीपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि निम्नलिखित कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, तो जीप डिस्क, ये जो जीप डिस्क है, ठीक है, जीप और डिस्क, ठीक है, ये आप समझ में नहीं आ रहा है, देखो जीप, ये आपका जीप, एक मिनट ना, जीप डिस्क, ठीक है, जीप डिस्क जो है ये आपका ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता, जबकि ऑप्टिकल डिस्क क्या क्या होता है, डीवीडी, यानी डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क, इसका क्षमता 25 MB तक होता है, ठीक है। सीडी रोम का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस क्या होता है, देखिए हॉस्ट ऑफ, यानी कि yahoo.com का हॉस्ट ऑफ क्या कहलाता है, यूजर नेम होता है, जो ईमेल एड्रेस लिखा जाता है यूजर नेम के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसका आंसर क्या होगा, सर्च इंजन को क्या कहते हैं, सर्च इंजन को, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट में सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु एक टूल का निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो आपका आ जाएगा क्या आएगा, कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक, या डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक, या फिर सीडी का डीवीडी के समान मेमोरी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, या आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसको एक बार में आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो इंटरनेट सूचनाओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त टूल को निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए 1226 नामक कंप्यूटर वायरस, जो भारत आप कभी भी एग्जाम में देखेंगे तो 1226 लिखा रहेगा, सीधा पॉलीमॉर्फिक लगा दीजिएगा, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक है जो हमेशा 1226 नामक कंप्यूटर का वायरस होता है, ये इसका उदाहरण ही है। जो 1226 कभी भी आप एग्जाम में देखोगे, 1226 चाहे कहीं भी लिखा रहेगा, वायरस के बारे में पूछा गया, वायरस का उदाहरण है, सीधा आप लगाइएगा पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक। और एक पेज प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर से संबंधित होता है, हमेशा एग्जाम में एक नंबर का आता ही है सवाल, ठीक है। जो पेज प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, और ये डॉट मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है देव की भाषा कौन सी है, देव की जो भाषा होती है HTML, जो देव की भाषा होती है HTML, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्टर प्रोटोकॉल, ये नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने का काम में लाया जाता है, आपका एमएस डॉस, यूनिक्स और विंडो, ये तीनों ही हैं
जो यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए लाया जाता है, किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ISDN, DSLN या मॉडेम या वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो आप बताइएगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, मॉडेम का जल्दी से बताइए, ठीक है। GIF का तात्पर्य होता है, आप सभी को पहले बताया था इसका फुल फॉर्म, मैंने अभी पूछा था, तो ग्राफिक इंटेलिजेंस फॉर्मेट। आप बताइएगा IMG का फुल फॉर्म क्या होता है, IMG का फुल फॉर्म क्या होगा, IMG का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइएगा IMG का फुल फॉर्म क्या होगा। मैं आप सभी को क्वेश्चन में बताया था GIF और IMG का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप बताइएगा IMG का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये हाइपर HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। टेलीफोन में निम्नलिखित किस संचार का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, टेलीफोन में जल्दी बताइए, टेलीफोन में एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आप बताइएगा कि निम्नलिखित कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कौन ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप बताइएगा ITU का फुल फॉर्म क्या होगा, आप कमेंट में बताइए ITU का फुल फॉर्म, ITU, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा है जो प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी को पता है TCP, जबकि ITU का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। यहाँ से कंप्यूटर कार्य करने का जो क्रम होता है, कौन सा क्रम है, कंप्यूटर में सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, तो सबसे पहले इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ये आपका इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। इनपुट के बाद प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आउटपुट करते हैं, जैसे ही इनपुट करेंगे फिर प्रोसेस काम करेंगे, फिर आउटपुट से मशीन से निकालते हैं, ये आपका कंप्यूटर के कार्य है। उसके बाद MS Excel में जो सेल और एडिट करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, F2 से एडिट करते हैं ना, किसी भी चीज़ को MS Excel में कार्य करते समय एडिट करते हैं, उसको F2 कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, WYSIWYG का फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। क्या होगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसके बाद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य नहीं करता, ये हाई लेवल लैंग्वेज का कार्य नहीं करता जो मशीनी लैंग्वेज में प्रयोग करता है। अल्ताविस्ता क्या है, इसको विलोपित कर दे एग्जाम में, ठीक है। अल्ताविस्ता है ये 94.1 नहीं होगा, इसीलिए इसको विलोपित कर दिया गया। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, निम्नलिखित कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वीडियो, ठीक है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि CPU, ALU ये क्या है, और RAS ये तीनों ही क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जबकि वीडियो एक नहीं है। आप बताइएगा ALU का क्या होता है, ALU का अर्थ क्या होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म बताइएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, फुल फॉर्म क्या होगा, मैं आपको चलिए बता देता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक, और इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, चलिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपेरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि मैकफी क्विकफील और नॉर्थन क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, मैकफी क्विकफील नॉर्थन और एवस्त ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर तक, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित कौन सा है, वोलाटाइल मेमोरी है, हाँ आप सभी के लिए एक और सूचना है, जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 नवंबर से प्रारंभ की जा रही है, ठीक है। 20 नवंबर से शाम 7 बजे डेली क्लासेस कराया जाएगा कंप्यूटर की, बिल्कुल 50-50 MCQ कराया जाएगा, है ना। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपना नाम बताइएगा यहाँ पर कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए एक ही निवेदन है कि जो लोग हॉस्टल वार्डन की 3000 रुपये कौन जमा कर रहा है यार, यहाँ पर पैड प्रमोशन चल रहा है, लेकिन अभी सभी के लिए फ्री क्लास है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, हॉस्टल वार्डन के बिल्कुल उसी के लिए चल रहे हैं, खासतौर पर यह वीडियो लाया हूँ जो हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी को सिर्फ कल से वीडियो दिखने वाला है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और अपना नाम बता देना कि कौन कौन हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं, शाम 7 बजे डेली क्लासेस रहने वाली है।
तो चलिए प्रिंटर, इसका आंसर क्या होगा, प्रिंटर आएगा ना, अस्थायी मेमोरी है। इसके बाद है आपके कंप्यूटर उसकी सुरक्षा का नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को सॉफ्टवेयर को कहते हैं मालवेयर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ईमेल के द्वारा फाइल भेजने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। ईमेल के द्वारा यहाँ पर दिखे 25 KB दी है जबकि 25 MB रहता है, ठीक है। 25 MB रहता है तो आपका आंसर आ जाता है, लेकिन ईमेल में 25 KB कहाँ से भेजा जाएगा। यहाँ पर 25 KB बिल्कुल नहीं भेजा जाता, 25 MB तक भेजा जाता है, ठीक है। 25 MB तक ईमेल द्वारा एक बार फाइल को भेजने का अधिकतम क्षमता या सीमा होती है 25 MB तक रहती है, जबकि यहाँ पर 25 KB लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, ये सभी नहीं आएगा, 25 MB रहता है। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता है, तो ये भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे, ठीक है, जो प्रदाता है। इसके बाद है MS वर्ल्ड प्रोसेस है, जो कौन सा वर्ल्ड प्रोसेस है, MS वर्ल्ड है, वर्ल्ड स्टार है, वर्ल्ड बैटरी, तीनों ही हैं, ठीक है। MS वर्ल्ड पावर पॉइंट का क्या स्लाइड शो, ये स्लाइड शो जो है एग्जाम में बार बार पूछता है, स्लाइड शो F5, ठीक है। आप कमेंट बताइएगा ये तीनों का आंसर, F2, F3, F4 किस काम के लिए किया जाता है, ये जो है इसका क्या काम आता है, जल्दी से बताइएगा क्या क्या प्रयोग किया जाता है F2 के लिए, F3 के लिए, F4 के लिए, तीनों का आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं या फिर वीडियो में नए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, F2 क्या होता है, F3, F4 में आप सभी को बताया कि स्लाइड शो F5 के लिए होता है, ठीक है। चलिए कौन सा है जो प्राइमरी है, रोम, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, तो RAM का मतलब क्या होगा, चलिए इसका आप बताइए क्या होगा। मल्टीमीडिया का तात्पर्य होता है क्या होता है, विचित्र ध्वनि और सजीवता, ये तीनों ही हैं। सजीवता का मतलब होता है एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन सजीवता का मतलब होता है, और साउंड का मतलब होता है ध्वनि, और पिक्चर का मतलब होता है चित्र, इमेज, ठीक है। चलिए इसके बाद है टोटल 50 MCQ कर ली क्या, ये हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन। हाँ, कल से आपका हिंदी और इंग्लिश का क्लासेस रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का क्लास रहेगी हॉस्टल वार्डन के लिए, SI का भी क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो एकाएक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है, एकाएक में अव्ययी भाव समास है। मैं ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको एग्जाम में आया हुआ है, हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा है। ये जितने भी मैं क्लासेस करा रहा हूँ ये आपका विगत वर्ष है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर PSC और व्यापम में, ये आपका विगत वर्ष क्वेश्चन पेपर है जो बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल क्लासेस करने वाले, ये सीजन वन था, सीरीज वन, ठीक है, टेस्ट का, ये आपका डेली आपको 50 MCQ टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना नाम बता दीजिएगा कि